समय से जो है मैक्स हॉस्पिटल यहाँ से जो प्राथमिक इलाज के बाद श्री ऋषभ जी पहुंच गए थे वहां मैक्स हॉस्पिटल, और जो भी प्राथमिक जानकारी आई उसमें पता चला है कि जो उनकी जांच हुई है उसमें कोई गंभीर चोटें नहीं आई है, फिर भी डॉक्टर्स के ऑब्जर्वेशन में है। साथ ही साथ ये भी देखने में आया कि कुछ मीडिया पोर्टल्स पर या चैनल्स पर जो है ऐसी बात भ्रमित प्रकाशित प्रसारित की जा रही है जिसमें बताया गया कि उनके पैसे या चेन या युवकों ने कुछ लूट लिए हैं, जबकि यह कथन एकदम गलत है। चूंकि मौके पर जो रोडवेज के कर्मचारी द्वारा तत्काल फोन किया गया था, फोन के तत्काल कुछ ही मिनटों में ही चूंकि हमारी चेक पोस्ट है पुलिस भी पहुंच गई थी, कार में चूंकि आग लग गई थी और बचाना ज्यादा महत्वपूर्ण था तो उनको तत्काल हॉस्पिटल लाया गया। जो उनके द्वारा पहने गए थे खासकर एक उनके प्लेटिनम या चेन थी एक, और एक ब्रेसलेट था गोल्ड का, इसके अलावा 4,000 रूपये जो उनके पास उनके कपड़े में थे वो तत्काल ही वहां पर पूरा एक नियमानुसार उनकी मदर को भी सौंप दिया गया था, जिसकी पुष्टि भी मेरे द्वारा उनके परिजन से बात करके कर ली गई है। साथ ही साथ गाड़ी में से जो एक बैग मिला था जिसमें से कुछ कपड़े थे वो भी उनके परिजन को हमने दे दिए थे। बाकी मौके पर इतने सीसीटीवी वहां आसपास जो लगे थे उसकी हमने, क्योंकि घटना को हम निरीक्षण करने के लिए और घटना को समझने के लिए भी, साथ ही साथ मौके पर सीसीटीवी फुटेज भी वहां मिली हमें, इस तरह का कहीं भी कोई ऐसा वाकया नहीं आया कि कोई युवक कोई ऐसी चीज या अन्य लोग कोई ऐसी हरकत कर रहे हो, तो यह कथन एकदम गलत है। मैं उनके परिजन के संपर्क में हूं और साथ ही साथ अभी मेरी वार्ता भी हुई है, तो इससे स्पष्ट है कि यह जो खबरें जो प्रसारित की जा रही है इसको लेकर यह एकदम निराधार है। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें।